दोस्तों साल 2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार तो आपने ज़रूर देखी होगी, जिसमें हमें राज चौधरी के किरदार में वात्सल सेठ नज़र आए थे। इस फिल्म में वात्सल सेठ और आयशा टकिया की जोड़ी को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था। आपको बता दें कि इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है। दोस्तों आप इस फिल्म के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप वात्सल सेठ के बारे में जानते हैं कि वे इन दिनों कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन चटपटे सवालों के जवाब, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। टार्जन द वंडर कार फिल्म से मशहूर हुए एक्टर वात्सल सेठ का जन्म 5 अगस्त 1980 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी एजुकेशन भी यहीं से कंप्लीट की। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सोनी टीवी के मशहूर धारावाहिक जस्ट मोहब्बत से की। साल 1996 से साल 2004 तक उन्होंने इसी शो में काम किया। इसके बाद उन्होंने साल 2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार में अजय देवगन के साथ उनके बेटे का किरदार निभाया। इस फिल्म में अजय देवगन और वात्सल सेठ के बाप बेटे का किरदार लोगों द्वारा बेहद पसंद किया गया था और इसी फिल्म से वात्सल सेठ को फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली, जिससे आज ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक में भी काम किया है, जिनमें साल 2014 में प्रसारित किया गया था एक हसीना थी और साल 2014 में रिश्तों का सौदागर बाजीगर जैसे सीरियल शामिल हैं। साल 2017 में वात्सल सेठ ने टीवी सीरियल हासिल में वीर रायचंद की दमदार भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि रिश्तों का सौदागर बाजीगर सीरियल में इनके साथ इनकी पत्नी की जोड़ी देखने को मिली थी। हालांकि इस सीरियल के दौरान इनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन इनके बीच नज़दीकियां बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। वहीं अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 41 साल कम्प्लीट कर लिए हैं और आज ये देखने में पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखाई देते हैं। आज भी वात्सल से टीवी इंडस्ट्री में दिखाई देते हैं, जिन्होंने साल 2017 में इशिता दत्ता से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। आपको बता दें कि इशिता दत्ता प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है। ये दोनों साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको वात्सल सेठ के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।